भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े अन्य प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। 226 पीएचसी और सीएचसी को किया जाएगा अपग्रेड। इन्वेस्टर समझ की तैयारियों में जुटे सीएम शिवराज सिंह चौहान। इंदौर दौरे पर आएंगे सीएम शिवराज। देश की 10 अग्रणी संस्थाओं के साथ साइन होगा एमओयू। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी परिवार के साथ होंगी शामिल। मध्य प्रदेश में 4 से 5 दिन तक रहेंगी प्रियंका गांधी। भोपाल में कई इलाकों में आज से 2 दिन तक रहेगा पानी का संकट। नर्मदा लाइन शिफ्टिंग के काम के कारण बंद रहेगी सप्लाई। बैतूल में नेशनल हाईवे पर कंटेनर पलटने के बाद लगी आग। टायर भरे होने से भड़की आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भानुप्रतापपुर में नक्सलियों ने मचाया तांडव। नक्सलियों ने किया बंद का ऐलान। मोबाइल टावर को किया आग के हवाले। नक्सली दर्शन पद्दा और जागेश के मौत के बाद बंद का ऐलान। बिलासपुर में लोन दिलाने का झांसा देकर महिला से छेड़छाड़। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल की कार बेकाबू होकर पलटी। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोंडागांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निकाली गई साइकिल रैली। नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को मतदान के लिए किया गया प्रेरित। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेलों में विधायक शैलेश ने खींचा रस्सा। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। बस्तर में बीजेपी मोर्चा ने बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ नुक्कड़ सभा आयोजित किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विदिशा में केंद्रीय विद्यालय के गार्ड को मिली लाश। सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। धमतरी में ज्वेलरी दुकानों में ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोने चांदी की खरीदी कर ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर करता था ठगी। 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल मंगूबाई पटेल नरसिंहपुर में पहुंचे। सर्किट हाउस में जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक। राजगढ़ में विधायक रामचंद्र दांगी ने क्षेत्रवासियों को आज एक और सौगात दी। विधायक ने ग्रामीणों की मांग पर 14 टैंकर विधायक निधि से प्रदान किया। मोलामानपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल के कलेक्टर के समझाने के बाद हड़ताल व मुश्किल खत्म। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे यहां के बच्चों ने स्कूल छोड़कर सड़क में आंदोलन छेड़ दिया। राजनांदगांव में सुरक्षा निधि के नाम पर ज्यादा बिजली बिल भेजने के विरोध में भाजपा ने किया विद्युत मंडल का घेरा। तखतपुर में 10वीं की छात्र के साथ हुआ दुष्कर्म। इंस्टाग्राम पर हुई थी आरोपी युवक से दोस्ती। घुमाने के बहाने ले गया युवक। जांच में जुटी पुलिस। उरवा के उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग स्थित तत्तरदा के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की घटनास्थल पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची 112 और उरगा पुलिस की टीम जांच में जुटी। इटारसी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्रों ने चक्का जाम किया। छात्रवृत्ति नहीं आने की समस्या को लेकर किया चक्का जाम। विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडोनेशिया में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट कर घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इंडोनेशिया में आए भूकंप में अब तक 162 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप इतना जोरदार था कि पहाड़ फरकने लगे और सड़कों में दरार पड़ गई। देश के 45 शहरों में आज रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। साथ ही पीएम आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। बीजेपी आज गुजरात की 93 सीटों पर 93 रैलियां करने जा रही है। चुनावी रैलियों से अलग बीजेपी ने अपने 93 नेताओं का 93 विधानसभाओं में 3 दिनों का प्रवास कार्यक्रम बनाया गया। गुजरात चुनाव में एक छोटी बच्ची पीएम मोदी के साथ बीजेपी का प्रचार करते नजर आई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार इस वीडियो को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ राष्ट्रवाद अधिकार शिकायत दर्ज करवाएंगे। बीजेपी का प्रचार करते हुए वायरल वीडियो पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, पीएम छोटे बच्चे का इस्तेमाल कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।